गुड मॉर्निंग इन वादियों में आजा माही वे तू आजा ना जा माही वे तू ना जा मुझसे दूर। अरे दाजू। हाँ जी, की हाल है तुसी? बढ़िया बढ़िया। यहाँ से आप देहरादून थोड़ा थोड़ा दिख रहा है घाटियों के बीच, तो आज आज सुयश भाई दोबारा से गाना सुनाने वाले हैं। सो हे हेलो, वेलकम बैक टू YT व्लॉग्स। तो कैसे हो सारे? आई होप सारे बढ़िया होंगे। सो गाइस, देखिए आप आज हमारे साथ बिल्कुल कोटद्वार के हसीन हसीन जाने माने लोग हमारे साथ कैंपिंग करने जा रहे हैं। और देखिए पीछे बैठे हैं हमारे राहत ब्रो। ओ भाई, क्या हाल चाल है सबके? व्हाट्सअप काना और ऋषि। हेलो। तो मेरा भी नाम बता ले भाई। तो हसीन बोल के तुम छोड़ दिया। तो भाई को आप जानते हो, काफी फेमस है, सुयश असवाल नाम से चैनल है भाई का। जो हमारे गोपेश्वर के पब्लिक अगर नहीं जानती है तो भाई के चैनल को देखिए, बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं भाई। धन्यवाद भाई। और हम मिले हैं अब और आगे हमारी जर्नी काफ़ी हसीन होने वाली है अब। तो इसीलिए भाई को हसीन बताया मैंने। तो मैं ही बनाने वाला हूँ आज शाम को हसीन। आज भाई हसीन बनाने वाले हैं शाम को। तो अभी हम हैं गड़ी कैंट वाली रोड पर और अभी हम जा रहे हैं किमाड़ी, जहाँ हमें करनी है कैंपिंग। सो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, राहत ब्रो जब भी हमारे साथ आते हैं मस्ती करते हैं, बट आज भाई का स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ है, अपसेट। भाई का ब्रेकअप हो चुका है, इस वजह से भाई शांत है बिल्कुल। तो भाई आप कुछ कहना चाहोगे दो शब्द ब्रेकअप के उस पे? भाई कुछ नहीं बता, पहाड़ों में जाके खुलूंगा तो अलग बात है, बट अभी शांत हूँ। अभी भाई के आंसू दिखने वाले हैं, मोटे मोटे आंसू। नो भाई, नो 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 नो। सो अभी हम हैं गड़ी कैंट के अंदर और काफ़ी अच्छी प्यारी वाइब्स आ रही है, क्योंकि यहाँ पे हरे भरे पेड़ और रोड भी काफ़ी अच्छी है। आर्मी एरिया सारे अच्छे ही होते हैं। अरे वाले ब्लॉग में क्या दिक्कत हो गई थी? डांस एकेडमी वाले ब्लॉग में आवाज़ का क्या हो गया था प्रॉब्लम? ग्लिच हो गई थी आवाज। नहीं, ग्लिच मतलब आवाज़ ही नहीं आ रही थी? बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही थी। तो आज गाइज हम कैंप फायर करने वाले हैं, टेंट हमने पीछे रखे हैं गाड़ी में, भाई की गाड़ी ओवरलोडेड फुल कर ली आज। तो अभी ले रहे हैं चिप्स वगैरह और पानी की बोतल। हथियार छुपा लो, हथियार छुपा लो, हथियार। तो अभी सारा सामान ले लिया है और चलते हैं फिर आगे। अरे भाई भाई भाई, क्या हाल है? कैसा है? कहाँ घूम रहा? बस यार इधर। सो गाइस कुछ फ्रेंड्स मिल गए थे, आज भाई की गाड़ी मैं ड्राइव करने वाला हूँ। तो आज टाटा टिगोर में ड्राइव करूँगा। सो काफ़ी मज़ा आया टिगोर चलाने में और अब हम अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। आगे आने वाली हमारी लोकेशन देखिए, काफ़ी प्यारी वाइब्स है। यहाँ करने के ऊपर? हाँ है। अरे अभी देखो तुम, बहुत अच्छी जगह है, बताओ। तो ये रही हमारी लोकेशन। धीरज भाई क्या हाल है? क्या हाल है? कैमरा के भाजी को नमस्कार, कैसे हो? बस बढ़िया बढ़िया। और आज कैसे कैसे किमाड़ी प्लॉट? अरे भाई को मिलना था काफी टाइम से, भाई को हम लेकर आए आज एक स्पेशल लोकेशन पे, यहाँ हम आज कैंपिंग करने वाले हैं। तो चलो आ जाओ, एक रास्ता ये है जिससे हम जाएंगे इस चढ़ाई से, और ये ढंगार से। तो हाँ, हम जाएंगे पीछे वाले रास्ते से, हम ढंगार से जाएंगे, ढंगार से आ जाओ भाई। तो अब लोकेशन पे पहुंच चुके हम, ये नीचे। अच्छा ये ठीक है ना? ये ठीक है, यहाँ से देखो पूरा व्यू दिखता है। अरे बोतल भी पड़ी हुई है यार सामने। ओहो, कैसी लगी लोकेशन? बहुत बढ़िया यार, मजा आया। तो ये हमारी लोकेशन, यहाँ हमें फटाफट से कैंप लगाने पड़ेंगे क्योंकि अंधेरा भी होने वाला है भाई, ठंड काफी है। शॉर्टकट किधर है? शॉर्टकट उधर से है। तो देखिए हमारे कर्मचारी अपने काम पे लग चुके हैं और हमारा टेंट वेंट का सामान वहाँ पे रखा हुआ, और राहत ब्रो फुल पावर आज मजे करने वाले हैं। भाई का थोड़ा मूड सही हो गया है ब्रेकअप के बाद, अब भाई थोड़ा खुश है वादियों में आने के बाद। तो देखिए वादियाँ वादियाँ देखिए, और सामने दिख रहा है देहरादून। जल्दी करो जल्दी करो, अंधेरा होने वाला है। लगे हैं सर, हम लगे हैं।
तो देखिए हमारे टेंट लग चुके हैं और सफाई कर्मचारी अभी भी सफाई कर रहा है। तो भाई वहाँ पे बैठे हैं अभी, मैक्रोनी इंजॉय कर रहे हैं और हाइपर लैप्स देखे आपने अभी, बहुत ही बढ़िया मजा आ गया सच में। और भाई लोग भी आए हैं देहरादून से, उस चोटी पे बैठे हैं, इंजॉय कर रहे हैं अपना। तो ये है ही गाइज इतनी प्यारी वादियाँ कि यहाँ सब आगे इंजॉय करते हैं। और मोटू भाई कभी खाने को नहीं छोड़ते भाई, दोनों टेंट तो मैंने लगाया तो बनता है ना भाई बनता है। तो देखिए काफी इंजॉय कर रहे हैं हम और फिर अभी ड्रोन शॉट दोबारा अभी लेने की सोच रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। और आज रात फुल इंजॉय करने वाले हैं, लाइट्स वाइट सब लेके आ रखे हैं हम। और मैं सोच रहा हूँ काना को यहाँ से नीचे फेंक दिया जाए। अरे दाजू, हाँ जी, की हाल है तुसी? बढ़िया। तो मैं वैसे तो भाई बार बार मना कर रहा था पर मैं जबरदस्ती लेके आया हूँ, जबरदस्ती। तो घर से तो ऐसा हो रखा था कि पूरा ऐसा था कि नहीं यार रहने दो, हेल्थ ठीक नहीं लग रही, बट अब यहाँ आके थोड़ा सा रिफ्रेश फील हो रहा हूँ। तभी सुना डॉक्टर क्यों कहते हैं अच्छी जगह पे जाओ। हाँ सही बात है, यही बात है। तो यही है, खा पी के थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है और सब चीज़ हमने टाइम पे निपटा दी है। और यहाँ से अब देहरादून थोड़ा थोड़ा दिख रहा है घाटियों के बीच। और हमारे ऋषि भाई आज रात पूरी संगीतमय करा, क्या क्या होता है म्यूजिकल नाइट है। मैं थोड़ा इंग्लिश में वीक हूँ तो भाई जरा तेज है इंग्लिश में, तो क्या कर सकते हैं। तो आज सुयश भाई दोबारा से गाना सुनाने वाले हैं। अगर भाई का आपने व्लॉग नहीं देखा तो कल आ गया है व्लॉग, तो आप लोग देखिए। बहुत अच्छा भाई ने हमारे स्टूडियो में आके गाना रिकॉर्ड करवाया, खतरनाक। तो भाई इनसे ले रहे हैं संगीत की क्लास, तो सुर लगाइए थोड़ा। सॉरी मेरा स्केल चेंज हो गया। ऊपर वाला सीधे आसमान में पहुंचाना है, पहुंचे तो। सॉरी गाइस मेरा फोन आ रहा है, गर्लफ्रेंड का फोन आ गया। गर्लफ्रेंड का, ओ भाग गया भाई, भाग गया। अब आया ऊपर वाला नोट तो अब आया। तो फाइनली आग जल चुकी है भाई, एनर्जेटिक चाहिए पहली परफॉर्मेंस। हाय हाय क्या मजा आ रहा है। मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। आजा माही में तू आजा, ना जा माही में तू ना जा, तेरे बिन न जिया जाए एक दिन, तेरे बिन कहीं सांसे हुई है गुम। आजा माही वे तू आजा माही वे तू ना जा, मुझसे दूर तेरे साथ गुजारे लहे आज भी याद आए, पास नहीं है तू मुझे हर पल याद सिलाए, आज भी दिल तेरे ख्यालों में हर पल रहता रोया, हर पल तेरा इंतजार ये करता है सिर्फ तेरा। तेरे बिन न जिया जाए एक दिन, तेरे बिन कहीं सांसे हुई है गुन। आजा माही वे तू आजा, ना जा माही वे तू ना जा, मुझसे दूर। थैंक यू। हाय रे इकन कहीं से दास्ता कहने लगेगा ना सुबह आके दिल को मेरे यूं तड़पाती है, समझे जमाना के दिल है खिलौना, जाना है अब क्या है दिल का लगाना, नजरों से अब ना हमको गिराना, मर भी
भाई जी, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, गुड ताली हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, बने रहो हमारे साथ। तो इसीलिए हम स्पेशली ऋषि के घर पे बात करके इन्हें यहाँ लेके आए हैं, क्योंकि इसके घर फैमिली अलाउ नहीं करती है कहीं जाना। भाई तुम कहाँ जा रहे हो, स्टार वार्स करने जा रहे हो? सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अब मैं उठ चुका हूँ। कल रात काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस के बाद काफ़ी अच्छी नींद आई और अभी उठ गया हूँ। और मौसम देखिए, बाहर थोड़ा बारिश लगी है। गुड मॉर्निंग रात ब्रो, उठ गए क्या? गुड मॉर्निंग, कैसे हो, कैसे हो? बस बढ़िया बढ़िया, सुबह सुबह बारिश का मजा ले रहे हो कि नहीं? बिल्कुल भाई, ले रहे हैं भाई। सुयश भाई कैसी रही रात? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो सारे भाई लोग रेडी हो गए, वादियों में काफ़ी सुकून भरी रात रही। और रात में यहाँ पे हमने बॉन फायर किया था और सामने देखिए व्यू। और अब हम फटाफट पैकिंग करते हैं, देखिए लाइट, सारे लोग उठ चुके हैं। ये लाइट बहुत रात को बहुत कम आई भाई, बहुत ज्यादा सारी लाइटें कम आई, फुल पावर। और ऋषि के साउंड में तो मजे मजा ही दिला दिया भाई, लाजवाब। तो काना हमारे साथ पहली बार हमारे साथ कैंपिंग में आया, जिंदगी की पहली कैंपिंग हमारे साथ ही की है इसने, है ना? तो काफी एंजॉय किया। ऋषि कैसा लगा आपको हमारे साथ, पहली कैंपिंग है आपकी भी शायद? मेरी भी पहली कैंपिंग है योगी भाई के साथ, और पहली बार मैं योगी भाई के साथ घूमने आया हूँ, मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सो अभी फटाफट थोड़ा पैकिंग करते हैं क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है और निकलना भी है, सुयश भाई को कोटद्वार भी जाना है, तो अब चलते हैं। तो टेंट हमने निकाल दिए और देखिए बिल्कुल मैदान अब खाली हो चुका है। सो कैंप से उठ गया, हम आए हैं एक वाटरफॉल वाली लोकेशन पे और देखिए कितना तगड़ा व्यू है, मॉर्निंग व्यू। गाड़ी हमने यहाँ पे पार्क कर लिया, राहत ब्रो, बहुत अच्छा व्यू भाई, मजा आ गया। आज आज तो और भी अच्छा लग रहा है, आज मौसम बढ़िया हो रखा है ना, और जब धूप धाप में आते हैं योगेश भाई डुबकी हो जाए फिर आज ठंडे पानी। चलो चलो साथ में चलेंगे भाई, पहले आप फिर हम पीछे। चलो 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 चलो, कहाँ से रास्ता, कहाँ से? यहाँ से कूद मारे क्या? वाटरफॉल में आ गए तो और भी चार चांद लग गए। कैंपिंग करने आई है आपकी माड़ी, काफ़ी अच्छा है, अपने टेंट्स वगैरह लाइए, लोकेशन आपने देख लिया कहाँ पे है। तो अगर आपको अगर कभी भी हेल्प चाहिए होगी कि माड़ी आना है आपको, तो एक नंबर मैं दे दूंगा, जो मैगी पॉइंट वाले भैया हैं उनका नंबर है, तो उनसे आप कॉन्टेक्ट करके आ सकते हो कि भीड़ तो नहीं है और आप लोग टेंट लगा सकते हो या नहीं। वैसे मोस्टली खाली रहता है, अगर आप लोग आओगे कैंपिंग करोगे तो भाई आपकी पूरी हेल्प करेगा, खाना पीना भी आपके लिए बना लेगा। तो उसी से थोड़ा आगे वाटरफॉल है, तो आप लोग काफ़ी इंजॉय कर सकते हो। और बेस्ट कैंपिंग रही हमारी, कल रात काफ़ी इंजॉय किया। और भाई को कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ? बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मज़ा आया, सबसे बढ़िया तो ये लोकेशन, लोकेशन तो हाँ। बहुत बढ़िया है और खाना पीना सबसे ही था हाँ। तो आगे भी करते रहेंगे ऐसी कैंपिंग। इस वीडियो का एंड यहीं करते हैं। सो कैसी लगी वीडियो आपको, लाइक कमेंट एंड शेयर करके ज़रूर बताइए, और मिलते हैं ऐसे कंटेंट के साथ आगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।